मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। चार सालों के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने से आक्रोशित जेट के अभ्यर्थियों ने रणधीर वर्मा चौक को जाम कर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला फूका, किया प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जेआरडीए के सभागार में छोटा नागपुर के आयुक्त ने झरिया पुनर्वास के मुद्दे पर की अहम बैठक। जिला प्रशासन एवं बीसीसीएल के अधिकारी थे मौजूद। जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के प्राचार्यों एवं अभिभावक संघ के सदस्यों के साथ की बैठक। और गोपालीचक में संचालित डेको आउटसोर्सिंग में शौच करने गए दो युवकों को सीआईएसएफ ने जमकर पीटा। अब खबरें विस्तार से। चार सालों के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने से आक्रोशित जेट के अभ्यर्थियों ने रणधीर वर्मा चौक पर धरना देने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला जलाया। उसके बाद जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए सड़क को जाम कर दिया। जिसके बाद बिगड़ती हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज तक किया। लाठी चार्ज के बाद रणधीर वर्मा चौक पर अफरा तफरी मच गई। जिसमें दो अभ्यर्थी बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों ने एसडीओ की गाड़ी को रोककर वाहन को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की थी। जिसके बाद एसडीओ के बॉडीगार्ड ने अभ्यर्थियों पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। घटना से अभ्यर्थियों में आक्रोश देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में अभ्यर्थियों से बातें की। एसडीओ का बॉडीगार्ड आए और डायरेक्ट आकर लाठी चार्ज कर शांतिपूर्ण के कारण पांच छह लड़का का माथा फट गया है। हाँ, लड़का को हॉस्पिटल में करना पड़ा। पांच छह लड़का का माथा फट गया है। हम लोग बहुत गुस्से में आ गए। अब इससे क्या होगा अगर एसडीएम का जो ऑफिसर जो हम पे लाठी जाकर वो नहीं आएगा, हम उससे माफी नहीं मांगेगा, तो हम लोग इससे भी और भी ज्यादा कर लेंगे। हम लोग सर कुछ भी नहीं प्रदर्शन कर रहे थे सर, फिर बोल रहे थे कि हम लोग का रिजल्ट को जल्दी से जल्दी निकाला गया, उसी के लिए हम लोग पे लाठी चार्ज कर दिया गया। बोल रहा जा रहा क्यों तुम जब का रिजल्ट का मांग कर रहा है, क्यों तुम रोड प्रदर्शन कर रहे हो, यहाँ पे कर रहा है साइड में, तुम्हें प्रदर्शन करना कोई हक नहीं, तुम्हारा जब मन कर तब हम निकालेंगे रिजल्ट, चाहे नहीं निकालेंगे, ये कोई मतलब सर हमारा सारा सर सारा ये समय खत्म हो रहा है, सारा ये समय खत्म हो रहा है, क्या करेंगे सर, अभी क्या करेंगे आप? अभी कुछ नहीं सर, हम लोग जाके अभी 30 तारीख को रांची में लोग जाके फिर करेंगे, और अभी हम लोग से माफी मांगना होगा सर, जिन्होंने मेरे को मारा उन्हें अभी माफी मांगना होगा। आज धनबाद जेआरडीए कार्यालय में छोटा नागपुर के आयुक्त सुरेंद्र सिंह आए हुए थे। इस मौके पर धनबाद उपायुक्त कृपानंद झा, एसडीओ अभिषेक श्रीवास्तव, जेआरडीए के प्रभारी गोपाल जी सहित जेआरडीए के अनेकों अधिकारी उपस्थित थे। वहीं झरिया बचाव को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। आरएसपी कॉलेज के स्थानांतरण, गनुआडीह क्षेत्र के भूमिगत आग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा किया गया। वहीं हमारे संवाददाता विजय सिन्हा ने इस संबंध में छोटा नागपुर के आयुक्त सुरेंद्र सिंह से बातें की। और कुछ निर्णय लिए गए, जैसे जो भी प्रभावित परिवार है उनका सर्वेक्षण का काम लगभग पूरा हुआ है, लेकिन बोर्ड का निर्णय है कि उसको एक बार अखबार में निकाल के मान लो कोई छूट गया हो तो उसको और मौका दिया जाएगा, और इस तरह से 30 जून तक ये सारा काम पूरा कर लेने के लिए जेआरडीए को समय मिला है। इसके साथ साथ जो
नया भूअर्जन अधिनियम आ गया, उसके तहत मुआवजे की राशि काफ़ी कई गुना 7 गुना बढ़ गई है, क्योंकि JRDA के लिए विस्थापितों के लिए जो भूअर्जन किया जाएगा वो इमरजेंसी क्लॉज के तहत किया जाएगा। उसका उसके लिए अनुमानित कितनी राशि लगेगी, लगभग 5000 करोड़ के आसपास का बजट भूअर्जन के मद में JRDA ने तैयार किया है, उसकी बोर्ड ने तैयार उसका बोर्ड ने अनुमोदन किया है और हाई पावर कमेटी के लिए भेजा है ताकि वहाँ से इसके लिए राशि का आवंटन आ सके। इसके साथ साथ तकनीकी विशेषज्ञ ये हैं सिम्फर वाले, उनसे और BCCL वालों ने मिलकर ये तैयार किया है कि जो बहुत महत्वपूर्ण एरिया हैं जहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है उनको चिन्हित करते हुए उनकी प्राथमिकता तय करने के हमको काम दिया गया है। इसके साथ साथ जो यहाँ के लोकल कर्मी हैं उनका सेवा का विस्तार, नए और जो अभी करीब 6000 आवासों के लिए नया टेंडर करने के लिए ये निर्णय हुआ है, टेंडर किया था लेकिन उसको इस आशय के साथ रद्द किया है क्योंकि उसमें कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो राज्य सरकार के टेंडर में नहीं होती हैं। तो हमने कहा कि जो राज्य सरकार के द्वारा PWD कोड के तहत जो टेंडर का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसी के आधार पर JRDA भी करेगा, क्योंकि जो राज्य के फाइनेंशियल रूल और PWD कोड है उन दोनों का पालन होना चाहिए। और जो पहले से 2000 मकानों के लिए टेंडर हुआ है उसका क्योंकि समय पर जमीन नहीं उपलब्ध हुई उसके कारण उसका काम थोड़ा पीछे चल रहा है, उसका भी सेवा विस्तार किया गया है। इसके बाद छोटा नागपुर के आयुक्त सुरेंद्र सिंह गॉड ऑफ ऑनर की सलामी ली। श्रीमान सलामी का कार्यक्रम समाप्त हुआ। श्रीमान आगे का आदेश। झरिया के भौरा व सुदामडी थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला प्रशासन के अधिकारी द्वारा गैर कानूनी तरीके से बालू उठाव पर रोक के बावजूद लोकल थाना की मिली भगत से खुलेआम की जा रही है घाटों से बालू की तस्करी। वहीं इस मामले में भौरा थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करने की बात कही लेकिन सुदामडी थाना प्रभारी ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार किया। हमारे संवाददाता ने भौरा थाना प्रभारी शंकर उड़ाव से बातें की। इसमें क्या कहना है, अगर ऐसा कर रहा है तो उसमें पकड़ के सलाह जेल भेजा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन सलाह उसको साथ देने वाला है, प्रशासन क्या साथ देगा उसको, रोक लगाना है कि प्रशासन का सलाह किया हुआ है। प्रक्रिया तो हम जारी रखे हुए हैं, जल्दी से जल्दी हम कार्रवाई करेंगे उसको। वहीं स्थानीय लोगों ने भी बताया, यहाँ पे सर जैसे कि बराबर यहाँ पे प्रतिदिन 100 ट्रैक्टर 200 ट्रैक्टर लगा के यहाँ प्रतिदिन बालू यहाँ पे चोरी हो रहा, तस्करी हो रहा बालू माफिया द्वारा। प्रशासन द्वारा तो अभी तो कुछ हो नहीं रहा, जो कि हम लोग लिखित दिए हुए हैं, अब प्लस फोटो भी हम लोग खींच के उसको दिए हुए हैं, जो कि अभी कोई कर पा रही उसकी तरफ से नहीं हुआ। कल मैंने थाना भी गए हुए थे जो कि बालू माफिया वो भी सामने में ही थे, लेकिन पुलिस उसको ना अरेस्ट किया ना कुछ किया। उसका कहना है हम कुछ नहीं करेंगे। थाना कितना दूर है, 500 मीटर डिस्टेंस है आपका नजर के सामने, यदि बालू दिन में उठा के लेके जा रहा तो चार रात में आप चोर को क्या रोकिएगा। तो आश्वासन मिला के मन हमसे ऐसा कुछ होगा नहीं, हम नहीं उसको पकड़ सकते। तो एक बार कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कहीं झारखंड सरकार से हमें क्षति पहुंच रहा, प्रतिदिन 100 टन 200 टन चोरी हो रहा है बालू।
राज्य सरकार द्वारा तो इसमें तो रोक है, तो गैर कानूनी हो रहा है। इसका टेंडर होता है जो कि यहाँ पे BCCL पड़ जाता है एरिया, जिसके कारण यहाँ पे टेंडर नहीं हो रहा है। बस उसी का फायदा ही लोग उठा के यहाँ पे चोरी प्रतिदिन कर रहा है। बालू को लेकर लोग बराबर तो प्रशासन में सोए हुए हैं, जिसके कारण ये लोग दिन रात ढुलाई में रगे हुए हैं बालू में। यदि कोई रोक रंग वो लोग तो अपना कर ही रहे हैं, वो लोग का कहना कि यदि कोई बीच में आएगा उसको गोली मार देंगे। अब प्रशासन इसका उसमें साथ है, प्रशासन यही मांग कर रहे जो गलत हो रहा है गलत को आप रोकिए। दिन में आप चोर नहीं पकड़ सकेगा तो रात में आप क्या किसका सुरक्षा कर सकेगा। आज रणधीर वर्मा चौक पर कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय ने बलियापुर के लोगों की पानी समस्या और बलियापुर पीड़ित परिजनों की समस्या को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। इस धरना के माध्यम से कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय ने जिला प्रशासन से मांग किया कि बलियापुर के लोगों को जल्दी पानी दिया जाए और इलाज के लिए एक अस्पताल भी बनाया जाए ताकि लोग इलाज करवा सके। वहीं इस संबंध में कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय ने बताया, पानी आज ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम को आने में काफी समय लग गया। ये नहीं है कि कल का प्रॉब्लम है या साल दो साल का प्रॉब्लम है। इनको अगर पिछले 14 साल में जो पानी हमें नहीं मिल पाया, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों ना भी मिल पाए। आज बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सब लोग आश्वासन दे रहे हैं पानी कोई नहीं दे पा रहा है। कांड्रा तक अगर सिंधरी में पानी आ सकता है फ्रेश वाटर का, तो वो सिंधरी बसी होते हुए घरों बसी तक भी जाया जा सकता है। इस प्लान को पास करने में क्या देरी है, अगर इसमें भी टाइम लगेगा। हमने कार्यपालक अभियंता से मिला तो उन्होंने कहा कि फंड आएगा तब हम आगे काम करेंगे, लेकिन तब तक ये लोग क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि इनको इमीडिएट टैंकर से पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए और जिनको फिजिकल प्रॉब्लम है उन्हें चिकित्सा की सुविधा जाए, क्योंकि हड़बड़ बस्ती से लेकर सिंदरी या बलियापुर तक आप देखें कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है सिवाय PMCH और सेंट्रल हॉस्पिटल के। जबकि आपके पास सिंदरी में या हमारे शहर में सिंदरी में 205 बेड का एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, जिसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे लोग। क्यों? सोच की कमी। अगर ये लोग अच्छे से सोचते वो हॉस्पिटल रेडी होता तो इन लोगों का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो नहीं होता। कहीं दिखाने के लिए किसी को आने के लिए कुछ अच्छे डॉक्टर दिखाने के लिए इनको धनबाद बार बार आना पड़ता है। इनको दो टू व्हीलर या फोर व्हीलर में आने के लिए, फोर व्हीलर तो छोड़ दीजिए, टू व्हीलर या थ्री व्हीलर में ही आ पाएंगे ये गरीब लोग। इनको आने में बहुत तकलीफ, जो लेट नहीं पाते, जो बैठ नहीं पाते, देख लीजिए सब पैर लटका के बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि सही ढंग से नीचे नहीं बैठ पाते, इनके लिए बहुत तकलीफ है। हम चाहते हैं कि इस दिशा में इमीडिएट सरकार कुछ ना कुछ पहल करे, कुछ उपाय करे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। आज का सच में आप सभी का स्वागत है। धनबाद सर्किट हाउस में आसू छात्र मोर्चा के अध्यक्ष राजीव जायसवाल के द्वारा एक आवश्यक बैठक की गई। इस मौके पर आसू युवा छात्र मोर्चा के सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में कोयलांचल विश्वविद्यालय को लेकर अहम परिचर्चा की गई, वहीं राजनीतिक बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। वहीं हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम के संबंध में आसू छात्र मोर्चा के अध्यक्ष राजीव जायसवाल से बातें की। वो समस्याएं उनको प्राप्त होंगे और कॉलेज कमेटी के माध्यम से कॉलेज में हम लोग आंदोलन करेंगे, विश्वविद्यालय कमेटी के माध्यम से विश्वविद्यालय में आंदोलन करेंगे, और जो प्रदेश कमेटी रहेगा उसके स्तर से हम लोग जो प्रदेश के जो समस्याएं हैं छात्र छात्राओं को उसके लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे। और इसी के तहत हम लोग का आज यहाँ पे इस मीटिंग को बुलाया है। प्रत्येक कॉलेज में आज हम लोग कॉलेज का प्रभारी और यहाँ पे जो धनबाद जिला का प्रभारी नियुक्त करके जाएंगे और एक महीना के अंदर कॉलेज कमेटी का हम लोग पुनर्गठन करके लिस्ट केंद्रीय कमेटी को सौंपा जाएगा और उसके बाद हम लोग सरकार खारिज करने में क्या करेंगे। हम निश्चित तौर पर आज छात्र संघ ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, इसमें ये हम लोगों ने एक जो है पद यात्रा का भी आयोजन किया था और लगातार हम लोग आंदोलनरत रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा
क्योंकि आशु की पहचान आंदोलन से है, आशु का उपज आंदोलन से हुआ है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम लोग आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार में इतना दबाव बनाएंगे कि धनबाद में पहलांचल विश्वविद्यालय का स्थापना शहीद विनोद बिहारी महतो जी के नाम से यहाँ पे स्थापना हम लोग कराएंगे और आज का ये एजेंडा है, हम लोग इसको जरूर पूरा करेंगे। आज कुस्तौर स्थित कुसुंडा क्लब में इनमोसा बीसीसीएल जोन के अध्यक्ष ए के चौधरी को बीसीसीएल द्वारा सेवा निमित्त मिलने के बाद इनमोसा के द्वारा विदाई सा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में इनमोसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री पी एन मिश्रा, कुश कुमार सिंह सहित दर्जनों इनमोसा एवं सेफ्टी ऑफिसर के अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर सभी सदस्यों ने सेवानिवृत्त ए के चौधरी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किए, वहीं उपहार स्वरूप सामान भी भेंट किए। वही हमारे संवाददाता ने विदाई समारोह के संबंध में इनमोसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के सिंह से बातें की। इंतजार करना चाहिए कि हम कैसे करेंगे और इसको गाड़ी से प्लानिंग होनी चाहिए। इसके लिए अगर जरूरत हो तो हम उनको बैठने के लिए तैयार है, मैनेजमेंट को सजेशन देने के लिए तैयार है, उनसे बात करने के लिए तैयार है कि इस पर विचार किया जाए और जितनी रिक्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं उसको हम लोग मेकअप कैसे करेंगे, क्योंकि सेफ्टी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। जितने हमारे लोग कमते जाएंगे सेफ्टी इंडेंजर होते जाएगा। अभी प्रायः जगह में देखा जा रहा है कि जितनी भी घटनाएँ घट रही हैं लैक ऑफ सुपरविजन के कारण घटनाएं घट रही है। लोग हैं नहीं, जाती आदमी चार लोग कोरोना से एक आदमी नहीं काम कर रहे हैं, तो कम से कम इससे हमको संदेश मिलना चाहिए। जब हम किसी को फेयरवेल देते हैं, किसी को विदाई देते हैं, तो उसके जगह में कैसे हम मेकअप कर पाएंगे उस जगह को, उसके बारे में भी हमको चलाना है। चौधरी जी वो अप्रशंसनीय लोग हैं, इनको जितनी भी प्रशंसा की जाए चौधरी जी का प्रशंसा कम है। निस्सा थाना अंतर्गत बीती रात को निस्सा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। निस्सा पुलिस ने रंगे हाथ दो चोरों को निस्सा के विद्यासागर कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार विद्यासागर कॉलोनी में देर रात दो युवक बंद आवास को अपना निशाना बनाकर ताले को तोड़कर घर में चोरी करने के मकसद से घुसे थे, जिसके बाद मकान मालिक ने आसपास के लोगों को जुटाकर दोनों चोरों को दबोच लिया और निस्सा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दोनों युवक विद्यासागर कॉलोनी के रहने वाले हैं। निस्सा थाना प्रभारी ने बताया कि मनोज माली पूर्व में भी चोरी और डकैती के मामलों में जेल जा चुका है और अरमान पर भी मामला दर्ज है। प्रभारी ने बताया कि बीते कई चोरी के मामलों में इन लोगों की संलिप्तता हो सकती है, अनुसंधान जारी है। हमारे संवाददाता ने निस्सा थाना प्रभारी राम प्रवेश कुमार से बातें की। शाम में हम लोग संध्या गश्ती में थे, तो करीब 9:30 बजे चोर का हल्ला हुआ। 9:30 के करीब कुछ लोग मोहल्ले के इकट्ठे थे बाबू दा के घर में, दो चोर घुसे हुए थे। ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग उसको पकड़े, जिसका नाम एक का मनोज माली है और दूसरा अरमान शेख है। मनोज माली पूर्व का अपराध कर्मी है, डकैती के केस में जेल जा चुका है, चोरी के केस में भी चार्जशीटेड है। दोनों पूर्व के अपराध कर्मी हैं और अभी वर्तमान समय में कई घरों का ताला तोड़कर जिस घर में लोग नहीं रहते थे चोरी कर चुके हैं, इनके पास से बरामदगी भी हुई है। हाँ, कुछ में संलिप्तता बताई है, आगे अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून का सही से अनुपालन नहीं करने और अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ाने की लगातार मिल रही शिकायत के उपरांत आज जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के प्राचार्यों और उनके संचालन समिति के सदस्यों को आगामी 15 अप्रैल तक पर्याप्त सूचना देने का निर्देश दिया।
इस दौरान उपायुक्त के निर्देश पर समन्वय में आयोजित बैठक में जिले के सभी निजी विद्यालय प्रबंधक के अलावे अभिभावक संघ का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुए। एडीएम विधि व्यवस्था की अगुवाई में हुई बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक और अभिभावक संघ ने कई स्कूलों द्वारा आरटीई एक्ट का अनुपालन नहीं करने और स्कूल परिसर में ही किताबें बेचने या चिन्हित दुकानों में किताबें बेचने की शिकायत की। इस शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से सफाई दी गई, जिसे बैठक के अध्यक्ष एडीएम लॉ एंड ऑर्डर बीपीएल दास तथा एसडीओ ने सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही स्कूल मैनेजमेंट द्वारा पर्याप्त दस्तावेज नहीं लाए जाने पर नाराजगी भी जताई। स्कूल मैनेजमेंट को आगामी 15 अप्रैल के पहले सभी दस्तावेज शपथ पत्र के साथ डीएससी सर नोडल पदाधिकारी के पास जमा कराने का निर्देश दिया। वहीं हमारे संवाददाता ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर बीपीएल दास से बातें की। निर्देश है, उसका अनुपालन करने के लिए सारे प्रधानाध्यापक को निर्देश दिए गए हैं। उसके तहत जो 25% बीपीएल धारी बच्चों को लेना है, उसे वो रेंडमली सेलेक्ट करके लेंगे। उसकी सूची जो डीएससी नोडल पदाधिकारी हैं उसको देंगे। एडमिशन में पूरी पारदर्शिता बरतेंगे। और ये जो सूचना मिल रही है कि प्रधानाध्यापक स्कूल का दुकान का नाम सेलेक्ट करके किताब वगैरह भिजवा रहे हैं, इस पर कड़ी निर्देश उन्हें दिया गया है कि यह काम उनका नहीं है। कोई भी स्कूल किसी भी गार्जियंस को यह नहीं बताएंगे, इसी स्कूल से आप किताब लें और यही किताब लें। किताब में रेट विधिवत रूप से प्रिंटेड होना चाहिए, किसी तरह का स्टिकर नहीं लगना चाहिए। उनको इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया और 15 तारीख तक जितने पर फॉर्म में रिपोर्ट है उन्हें नोडल ऑफिसर को देने का निर्देश दिया गया। वहीं बैठक की कार्रवाई से असंतुष्ट अभिभावक संघ ने आगामी 15 अप्रैल तक स्कूल प्रबंधक पर अंकुश नहीं लगाए जाने की स्थिति में सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में अभिभावक संघ के अध्यक्ष रणविजय सिंह से बातें की। नहीं, 2008 से रखते आ रहे हैं, प्रशासन को यह तय करना था। इसमें बैठक पूरी तरह से डीसी ने आयुक्त की थी और डीसी ने सभी प्राचार्य को इस बैठक में बुलाया था। प्राचार्यों की उपस्थिति नहीं थी, डिनोबिली ग्रुप के एक भी प्राचार्य नहीं थे, डीएबी ग्रुप के एक भी प्राचार्य नहीं थी। यह प्रशासन को सीधा बतलाता है कि हम आपके कानून को आपके नियम को नहीं मानते हैं। आज प्रशासन जो है कि सारी चीजों को देख लिया है। अभिभावक संघ शुरू से आरटीई एक्ट लागू करने की मांग करती रही है। अभिभावकों को जो फीस देता है उसके अनुसार जो सुविधा उसकी मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो केवल इसी की मांग करता है। और ये लोग शिक्षा के आड़ में किस तरह से अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं, बच्चों का शोषण कर रहे हैं, इसी संदर्भ में आज जो बैठक की गई थी हमने इन सारी बातों को सब लोगों ने रखा। हमने जो उम्मीद बनाए रखा था बैठक को लेकर कुछ सकारात्मक आएगा, वो कुछ दिखा नहीं। बैठक तो अभी हुई है, बैठक के बाद इसके रिजल्ट आते हैं। बैठक में सारी बातों की समीक्षा की गई है, ट्रांसपेरेंसी रही बैठक में, सारे चीज सामने आए। एक प्रिंसिपल जिस तरह से चासनाला का कह रहे हैं कि अभिभावक जो है जो कि एडमिशन की दलाली करता है, पत्रकार जो है जो कि शराब के लिए न्यूज छापता है, प्रशासन जो है डीएससी जो है वो पागल है, इस तरह का बयान अगर यदि देते हैं निजी विद्यालय के अगर प्राचार्य और उनके जो संरक्षण में आए हुए ये उनके जो भेजे गए हुए लोग हैं, तो ये तो सरासर बतलाता है कि वो किस तरह की शिक्षा हमारे समाज को देना चाह रहे हैं। प्रशासन ने कह दिया है 15 तारीख तक डेडलाइन दे दिया है उनको कि 15 तारीख तक सारे जो चीज मांगे गए हैं वो आप यहाँ प्रशासन को उपलब्ध कराएं। अगर 15 तारीख के तक नहीं उपलब्ध कराएंगे तो हम आपके स्कूल में ताला बंद कर देंगे। एसडीओ साहब ने यहाँ तक कह दिया है, प्रशासन ने 15 तारीख तक का डेडलाइन दिया है। मैं 15 तारीख तक हमारे अध्यक्ष महामंत्री अभिभावक संघ और जो भी हमारे प्रतिनिधि है वो इंतजार करेंगे। 15 तारीख के बाद अभिभावक संघ रार पार की लड़ाई रहेगा, इस लड़ाई को हम रोड पर लड़ेंगे। आज बस्ताकोला में योर चॉइस टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर शोरूम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर योर चॉइस के एमडी मोहम्मद नौसाद गद्दी ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। वहीं योर चॉइस के एमडी मोहम्मद नौसाद गद्दी ने बताया कि इस शोरूम में टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर की पुरानी गाड़ियां बहुत ही किफायती मूल्य पर दिया जाता है एवं खरीदा भी जाता है।
वहीं हमारे संवाददाता ने इस संबंध में योर चॉइस के एमडी मोहम्मद नौसाद गद्दी से बातें की। पुराने गाड़ी का यूज बाइक का शोरूम बस्ताकोला में आज हमने खोला है, और जिन भाइयों को चाहिए अपनी पुरानी गाड़ी दे के नहीं ले जाए, पुरानी गाड़ी चाहिए तो पुरानी गाड़ी भी हमारे पास है, और जो रेट में मैं दूंगा दो साल के बाद भी 1000-2000 रुपये में वो आप रिटर्न कर सकते हैं। क्या कस्टमर के लिए कुछ छूट भी देंगे? कस्टमर के लिए आज इंश्योरेंस। आज झारखंड सुड़ी समाज कल्याण समिति के केंद्रीय अध्यक्ष कंसारी मंडल ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष कंसारी मंडल ने कहा कि आगामी 23 मार्च को सुड़ी समाज का 36वां वहां अधिवेशन अग्रसेन भवन के सभागार हीरापुर में होगी। ये अधिवेशन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने कंसारी मंडल से बातें की। लोग इसलिए 23 तारीख को जो हम लोग का महाधिवेशन है, उस महाधिवेशन में हम लोग निर्णय लेंगे, और महामहिम राज्यपाल को और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे कि अविलंब हमारे जाति को, सुड़ी जाति को झारखंड में पश्चिम बंगाल के दर्ज अनुसूचित जाति का दर्ज दें, अन्यथा हम लोग आर पार की लड़ाई लेने की निर्णय 23 मार्च के जो अग्रसेन भवन में अधिवेशन होगी, उस अधिवेशन में हमारी जो उपस्थिति होगी, हमारे निर्णय लड़ाई कर लेंगे, और इसमें भारी संख्या में हमारे लोग आएंगे और हम संवैधानिक अधिकार से। वहीं इस संबंध में रेखा मंडल ने भी बताया कि अभी अधिवक्ता कंसारी जी ने बताया कि एक संघर्ष दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं 1979 में इसका बुनियाद रखा गया था, वो मेरे सही पतिदेव ने रखे थे। एक्चुअली हम लोग चाहते हैं हमारे समाज का भी चौमुखी विकास हो, जो कि विकास के नाम में अभी भी सरकार के दृष्टिकोण से ये तच्छिल्लों का दृष्टि से देखा जा रहा है, और हम लोग अनुसूचित जाति का मांग रख रहे हैं, ये मांग हमारा जायज है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस मांग को लेकर दिया जा रहा है, और हम लोग इस मांग को संघर्ष के रूप में ले रहे हैं और संघर्ष का दिवस के रूप में मनाएंगे, और हमारा एक संकल्प है क्योंकि हम अनुसूचित जाति का दर्जा लेके रहेंगे। जिन्होंने आज हमारे साथ में नहीं है, जिन लोगों ने जो शहीद हुए, जो स्वर्गीय हुए, जो थे, उनका काम अधूरा है, उस काम को हम लोग सब मिल के पूरा करेंगे। यही हमारा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। करकेन गोपाली चक में संचालित डेको आउटसोर्सिंग कंपनी में आज सुबह सीआईएसएफ जवानों द्वारा शौच करने गए दो युवकों को जमकर पिटाई कर दी गई। वहीं आपको बता दें कि गोपाली चक में संचालित डेको आउटसोर्सिंग कंपनी में आज सुबह कंपनी के बगल के ही दो युवक कंपनी के अंदर शौच करने गए हुए थे। वहीं सीआईएसएफ के जवान कोयला चोर समझ कर उन दोनों युवक को पकड़ कर जमकर पिटाई कर दिया। इस पर आस पास के ग्रामीण भड़क गए और कंपनी के कार्य को ठप कर दिया। वहीं मौके पर कंपनी प्रबंधक के आश्वासन के बाद कार्य को शुरू किया गया। वहीं हमारे संवाददाता विजय वरुण ने घटना के संबंध में घायल युवक से बातें की, वहीं एक महिला से भी बातें की। अब इधर आ रहे थे तो धर के ले गया, पकड़ के बोला बाप बला रहा तुम्हारा, मारने लगा 7 बजे रात में, सुबह में क्या बोलने लगा? बाप तुम्हारा बला रहा है। कौन लोग था? वो लोग सीएसएफ था। और क्या मैंने उसके बाद फिर क्या किया? मारने लगा वहाँ पे ले जाके, लोटा लोटा के घटा घटा मारा, मैंने यही बोल के कि बुला रहा है चलो। हाँ। तो क्या उसका क्या मनसा था, क्या लग रहा था, काहे मार रहा था? मारने लगा। क्या बोल के मारने लगा, क्या बोल रहा था? चलो थाना चलो, वही मारने लगा। क्या नाम? बाथरूम कुछ भी नहीं, घर में व्यवस्था, हम लोग जो भी बाहर भीतर पर्दा करते हैं इधर ही करते हैं। आया लाखों लोग मैदान के लिए, उनको आया सीएसएफ,
उसको कहे रुको रुको, तो लड़का तो लोग जो सीधा था कि रुक गया, अपने बोतल लिए हुआ था हाथ में रुक गया, और रुकने के बाद में कहे के रुको से चलो तुम्हारा बाप बुला रहा है, तो गया लड़का लोग, और जाने के बाद में लड़का दो है ये था और मार कदम जमीन में घोलटा घोलटा मारने लगा, वो लोग को मारने लगा। हाँ एकदम ही लोग को मारने लगा। क्या सोच के मार रहा था? सोचा यही वजह से कि कोयला की वजह से वो सोचा। तो आप क्या चाहते हैं आगे? आग हम चाहते हैं कि उनको मतलब बुलाइए कि माफी मांगे और हम लोग को नौकरी नौकरी से हटा उसको भी हटाया जाए नौकरी से और लाखन लोग को नौकरी दो। बागबारा के झीझी पहाड़ी पंचायत के बीपीएल धारियों के बीच मुखिया सुरेश मातो के द्वारा लाल कार्ड का वितरण किया गया। लगभग 141 लाल कार्ड इस पंचायत में अनुशंसा किए गए हैं, जिसमें 20 कार्ड को आज वितरण किया गया। मुखिया ने ये बताया कि सभी कार्डों को अगले दो दिनों में वितरण कर दिया जाएगा ताकि कार्ड धारकों को जल्द से जल्द मिल सके। वहीं कार्ड धारकों में इसको लेकर काफी हर्ष है। आपको बताते चले कि ये वितरण का कार्य बागमारा के सभी पंचायतों में अतिशीघ्र करने का निर्देश भी है। निमियाघाट थाना क्षेत्र के नगरी गांव से आज कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें रामनवमी के आगमन पर 8 दिवसीय मां पूर्णा देवी का पूजा उत्सव यज्ञो उत्सव नगरी गांव में मनाया जा रहा है, और इसकी शुरुआत कलश यात्रा से प्रारंभ हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हटो हम लोग यहाँ नगरी में लगभग 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 200 साल से एक हम लोग अनुमानित लगा रहे हैं कि कांसी शाह नाम के वो सज्जन थे, जब नगरी का पति हो रहा था उस समय एक देवी का स्थापना की गई थी, तो वो देवी का स्थापना जो है सो जर्जर अवस्था में था, तो हम सब ग्राम वाले सोचे कि भैया इसको मिलजुल के हम लोग को बना देना है, बना करके इसको प्राण प्रतिष्ठा करके थोड़ा सा स्थान पे ले आना है, तो उसी क्रम में हम लोग 9 दिन का नवरात्रा रखें, नवरात्रा पाठ होगा और वहीं मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। आज कलश यात्रा है, कलश यात्रा यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगी? यहाँ से निकल करके रतीडीह जोधाडीह होते रतीडीह टोला होते हुए दुर्गा मंदिर जाएंगे। पूरा नगरी भ्रमण। श्री श्री सत चंडी महायज्ञ का कलश यात्रा का आज सिजुआ एक नंबर के यज्ञ स्थल से निकलकर भेलाटांड कतरी नदी पहुंचा और जल को पंडितों द्वारा संकल्प करने के बाद यज्ञ स्थल पर लाया गया। चल दिया जी। जल ले लगा जी। जल यात्रा में 701 कुमारी कन्या और महिलाओं ने भाग लिया। ये यज्ञ 21/3/2015 से 31/3/2015 तक चलेगा। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों पर। 4 सालों के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने से आक्रोशित जेल के अभ्यर्थियों ने रणधीर वर्मा चौक को जमकर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला फूका, किया प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जेआरडीए के सभागार में छोटा नागपुर के आयुक्त ने झरिया पुनर्वास के मुद्दे पर की अहम बैठक। जिला प्रशासन एवं बीसीसीएल के अधिकारी थे मौजूद। जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के प्राचार्यों एवं अभिभावक संघ के सदस्यों के साथ की बैठक। गोपाली चक में संचालित डेको आउटसोर्सिंग में शौच करने गए दो युवकों को सीआईएसएफ ने जमकर पीटा।
आज का सच में आज इतना ही। अगर आप अपने आसपास की कोई भी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9334552400, 9835142055, 9939148674। आज का सच न्यूज देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं aajkasach.in। नई और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच के पूरे परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।